दोस्तों अक्सर बिगनर फोटोग्राफर्स की प्रॉब्लम ये होती है कि उनके पास में कैमरा भी आ गया, लेंस भी आ गया, लेकिन उनकी शिकायत रहती है कि हमारी जो पिक्चर्स हैं वो इतनी क्लैरिटी के साथ नहीं है, उसमें डिटेल्स नहीं है। और जब वो अपनी फ़ोटोज़ को देखते हैं तो उनको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है, उनको लगता है कि उनकी पिक्चर्स जो हैं अच्छी नहीं आ रही हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सभी बिगनर फोटोग्राफर्स एक चीज़ को भूल जाते हैं जिसे हम कहते हैं फोटोग्राफी बेसिक्स। तो आज मैं बात करूँगा दोस्तों फोटोग्राफी बेसिक्स की। तो आज इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आज आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा तो आपके बहुत सारे फंडामेंटल्स आज ही क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो गए तो आप देखेंगे कि आपकी फोटोग्राफी में बहुत तेज़ी से इंप्रूवमेंट आएगा। सो वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सक्सेना। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों फोटोग्राफी का जो हार्ट होता है ना, वो होता है हमारा एक्सपोजर ट्रायंगल। एक्सपोजर ट्रायंगल मतलब हमारा ISO, शटर स्पीड और एपर्चर। अब ये तीन चीज़ों को कैसे सेट करना है और इन तीन चीज़ों की क्या इंपॉर्टेंस है फोटोग्राफी में, मैं आज आपको इस वीडियो में थोड़ा सा डेमो दिखा के समझाने की कोशिश करूँगा। और इसको आप थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे तो आपके बहुत सारे फंडामेंटल्स हैं वो एकदम क्लियर हो जाएंगे और आप देखेंगे कि आपकी फोटोग्राफी तेज़ी से जो है वो बहुत इंप्रूव होने लगेगी और आपकी जो फ़ोटोज़ में है वो भी काफ़ी बड़ा फ़र्क आने लगेगा। तो सबसे पहले आज मैं बात करूँगा दोस्तों ISO की। अब डेफिनेशन के हिसाब से है तो ISO का मतलब है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसका फोटोग्राफी से क्या लेना देना है वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ऐसा डेफिनेशन में कहा गया है। लेकिन अगर हम रियली बात करें इन फोटोग्राफी टर्म्स में तो ISO का मतलब है आपके कैमरा के सेंसर की सेंसिटिविटी टुवर्ड्स लाइट, यानी कि हायर नंबर्स यानी कि ज़्यादा ISO मीन्स आपका जो सेंसर है वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, और कम नंबर मतलब आपका कम। तो अगर इसको हम फोटोग्राफी टर्म्स में बात करें कि अगर हमारे ISO के नंबर्स ज़्यादा है यानी कि हम हाई ISO पे शूट करते हैं तो वहाँ पर हमारी इमेजेस में बहुत सारी नॉइज़ होगी। और एक चीज़ को और समझ लें कि ज़्यादा नंबर मतलब कि बहुत सारी आप फेक लाइट क्रिएट कर रहे हो अपने अपने कैमरा के थ्रू, तो ये चीज़ को आपको समझना है। तो अब ISO को हमें कब ज़्यादा रखना है कब कम रखना है, इस बात को अगर हम अब समझ लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मैं कुछ पिक्चर्स लेता हूँ, और ये जो है आपका नाम रोशन शर्मा जी, और ये भैया हमारे स्टूडियो के नीचे रहते हैं तो मैंने इन्हें अभी रोक लिया ताकि आपको एक एग्जांपल में दिखा दूं। तो मैं अभी इनकी कुछ पिक्चर्स लेता हूं और वो पिक्चर्स मैं ले रहा हूं दोस्तों ISO 100 पे। तो हम लेते हैं पहला पिक्चर, तो ये देखिए मैं इनका एक हेडशॉट ले रहा हूं ताकि आप समझ जाएं। तो आप देख रहे हैं कि पिक्चर हमें अच्छा खासा मिला है, यहाँ पर हमने ISO जो है बिल्कुल 100 रखा है। अब मैं ISO को बढ़ा रहा हूं, अब मैंने कर दिया दोस्तों देखिए ISO 200। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी लाइट बढ़ गई है। अब ISO को मैं करता हूँ यहाँ पर 400, तो आप देखेंगे कि लाइट और ज़्यादा बढ़ गई, यानी कि हमारा जो कैमरा के सेंसर की सेंसिटिविटी है ज़्यादा नंबर बढ़ रहे हैं मींस आपको लाइट भी ज़्यादा फेक लाइट क्रिएट हो रही है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ाएंगे देखते हैं कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब मैं सीधा 400 से जो है सीधा 800 कर देता हूँ यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं कि 800 के अंदर कितनी सारी जो लाइट है फेक लाइट क्रिएट हो रही है और डिटेलिंग भी धीरे धीरे लूज़ हो रही है, लेकिन लाइट हमें ज़्यादा मिल रही है। अब 800 की जगह मैं सीधा सीधा कर देता हूँ 1600 यानी कि डबल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पिक्चर पूरी तरह से ओवर एक्सपोज हो गया है और जो डिटेलिंग है इमेज की वो एकदम चली गई है। अब एक चीज़ और हम देखते हैं, इसको मैं और डबल कर देता हूँ 3200 ISO, देखते हैं यहाँ हमें कैसा पिक्चर मिलता है। तो आप देख रहे हैं कि पिक्चर पूरी तरह से बर्न हो गया है यानी कि पूरी तरह से वॉश आउट हो गया है, और यहाँ पर जो है पूरा जो डिटेल है इमेज की वो सारी जो है हमने लॉस कर दी है। तो अब आप देख रहे हैं ISO जैसे जैसे हमने ऊपर बढ़ाया लाइट बढ़ती गई। अब आपको फोटोग्राफी करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि जिस भी आप लाइटिंग कंडीशन में काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको ISO कितना रखना है। तो आप जितना ISO नीचे रखेंगे उतनी ही जो है आपका कैमरा का सेंसर है उतना कम सेंसिटिव होगा और लाइट के टूवर्ड्स जो है उसकी सेंसिटिविटी काफ़ी कम हो जाएगी और पिक्चर्स आपको नीट एंड क्लीन मिलेंगी। लेकिन अगर यही पिक्चर हमको थोड़े अंधेरे में, अभी तो यहाँ पर लाइटिंग ठीक है मैंने आपको खाली एग्जांपल के लिए बताया, लेकिन अगर हम इसी पिक्चर को थोड़ा सा शेड में यानी कि मैं थोड़ा अंधेरे में लेके जाऊँ और वहाँ इनकी पिक्चर शूट करूँ तो वहाँ मुझे थोड़े ज़्यादा ISO की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वहाँ पर लाइट ऑलरेडी कम है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ, थोड़ा भैया आप इधर आओगे हल्का सा, इधर आ जाइए एक बार, यहाँ पर आइए आप थोड़ा सा इसके अंदर घुस जाइए गली में, बस इधर। तो मैं इनको अभी देखिए थोड़ा सा शेड में लेकर गया हूँ यहाँ पर, और अब मैं 100 पे लेता हूँ पहले ISO 100 पे, थोड़ा सा अंदर चले जाओ, फिर थोड़ा सा अंधेरा हो गया मतलब, इधर और थोड़ा सा इधर आ जाओ, ये थोड़ा सा इधर,
तो आप देख रहे हो कि पिक्चर 100 ISO में बहुत ही कम आई है, यानी लाइट बराबर नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा मैंने इसको अंधेरे में खड़ा किया है। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ISO बढ़ाऊंगा और हम कर देते हैं ISO 200। अब देखिए जैसे 200 किया तो यहाँ पर हमें एकदम परफेक्ट एक्सपोजर मिला है, और इसको मैं थोड़ा सा जो है 400 पे कर देता हूँ एक बार। सो नाउ हियर मच बेटर एक्सपोजर। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, जैसे हम अपने सब्जेक्ट को थोड़ा अंधेरे में यानी कम रोशनी में लेके गए, वहाँ हमने थोड़ा ISO बढ़ाया, तो हमें यहाँ पर ISO बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि लाइटिंग कंडीशन ऑलरेडी काफ़ी कम है। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किस लाइटिंग कंडीशन में आप शूट कर रहे हो। अब मान लीजिए अगर मैं किसी कमरे के अंदर जाके शूट कर रहा हूँ जहाँ पे बहुत नेचुरल लाइट्स है, नेचुरल मतलब जो भी टंगस्टन लाइट या ट्यूब लाइट या जिस तरह की भी लाइटिंग है, तो डेफिनेटली मुझे ISO 100 में अच्छी पिक्चर्स नहीं मिलने वाली है, तो वहाँ मुझे अपने ISO को बढ़ाना पड़ेगा। तो इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए कि ISO कब तो बढ़ाना है कब घटाना है। एक सिंपल सी और बात बता दूं कि जितना ISO आप ज़्यादा रखेंगे उतनी आपको फेक लाइट मिलेगी, यानी कि पिक्चर्स आपको क्लैरिटी के साथ में नहीं मिलेगी, नॉइज़ आएगा और पिक्चर की जो डिटेलिंग है वो आपको हमेशा जो है ख़राब ही मिलने वाली है। तो वहाँ पर इन दैट केस आप अपने ISO को अपने कैमरा के मॉडल के हिसाब से कितना ऊपर नीचे कर सकते हैं आप टेस्ट करके देखिएगा कि कहाँ पर कैमरा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव यानी कि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग लूज़ कर रहा है, और वहाँ पर फिर आप फ्लैश लाइट या एक्सटर्नल लाइट यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ मैं आपको और बता दूं दोस्तों, कैमरा टू कैमरा भी डिपेंड करता है। जो हाई एंड कैमरा आते हैं वो करीब 1600 टू 3200 ISO को आराम से ले लेते हैं, और आपको कई बार जो है इवन 3200 पे भी ग्रेन्स नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल मेरा निकॉन D800E कैमरा है जो कि काफ़ी हाई एंड कैमरा है, तो यहाँ पर मैं 1600 टू 2000 तक भी ISO लेके जाता हूँ तो मुझे पिक्चर्स काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं ठीक ठाक कंडीशन में। लेकिन अगर उसके ऊपर जाऊँगा तो मुझे बहुत सारी नॉइज़ मिलती है। तो डिपेंड्स ऑन कैमरा टू कैमरा, बट बेसिक्स में हमें ये बात को समझना है कि ISO हमें कितना रखना है कितना नहीं रखना। लो नंबर बेटर पिक्चर, हायर नंबर थोड़ा डिटेलिंग जाने का चांस है। अब दोस्तों बात करते हैं अपर्चर की। अब अपर्चर होता क्या है और इसका काम क्या होता है? तो दोस्तों अपर्चर है, इसको आसान भाषा में समझें तो ये होता है छेद, यानी कि होल। आपके लेंस के अंदर छेद कितना छोटा और बड़ा होता है उसे हम बेसिकली कहते हैं अपर्चर। अब इस अपर्चर को हम काउंट करते हैं एफ स्टॉप्स के अंदर, जैसे कि आपने देखा होगा F1.4, F2.8, F4, F8, F11, F16, F32, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो हम एफ स्टॉप को अपर्चर को एफ स्टॉप्स में काउंट करते हैं। अब ये छेद अपर्चर करता क्या है? बेसिकली अपर्चर जो है ये कंट्रोल करता है डेप्थ ऑफ फील्ड को, यानी कि कितनी डेप्थ ऑफ फील्ड आपको दिखानी है या नहीं दिखानी है वो तय करता है आपका अपर्चर। सो अब अपर्चर का और आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो अगर आपके लेंस के अंदर जो छेद है, छेद जितना बड़ा होगा लाइट उतनी ज़्यादा इसमें एंटर करेगी, और छेद जितना छोटा होगा उतनी कम लाइट जो है इसमें एंटर करेगी। और ये कैसे डेप्थ ऑफ फील्ड को कंट्रोल करता है वो मैं अभी आपको कुछ पिक्चर शूट करके दिखाऊंगा ताकि आप इसको आसानी से समझ लें। अब छोटा नंबर यानी कि बड़ा छेद, छोटा नंबर मतलब मान लीजिए अगर मैं शूट कर रहा हूँ F1.4 पे, दैट मीन्स कि आपका छेद जो है अपर्चर में पूरा खुला है, यानी कि बड़ा, इतना बड़ा, ऐसे देखिए जी मेरे हाथ को समझ लीजिए अपर्चर है ये। सो F1.4 मतलब इतना खुला हुआ है। अगर मैं शूट कर रहा हूँ F4 पे तो छेद थोड़ा सा छोटा हो गया इतना। अगर मैं शूट कर रहा हूँ F8 पे तो छेद जो है देखिए और छोटा हो गया। अगर मैं शूट कर रहा हूँ F11 पे तो छेद देखिए इतना और छोटा हो गया। और मैं शूट कर रहा हूँ F16 पे तो छेद और छोटा हो गया। अगर मैं शूट कर रहा हूँ F22 पे तो छेद और भी छोटा हो गया। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल पकड़ लीजिए, अभी इतना छोटा सा छेद है तो उसमें लाइट कैसे बहुत ही कम एंटर करेगी, यानी कि आप F22 पे शूट करेंगे तो बहुत ही कम लाइट एंटर करेगी, और अगर आप F1.4 यानी कि इतने बड़े छेद में शूट कर रहे हैं तो लाइट बहुत सारी एंटर करेगी। अब जो मेरा असिस्टेंट मुझे शूट कर रहा है मैं कुछ पिक्चर्स उनकी लूँगा ताकि हम देख पाएंगे कि अपर्चर कैसे डेप्थ ऑफ फील्ड को कंट्रोल करता है। तो मैं पहली पिक्चर ले रहा हूँ F1.4 पे और देखते हैं पिक्चर कैसे आती है। देखिए मैंने इनका पहला पिक्चर लिया, ये देखिए। तो आप देख पा रहे हैं कि पिक्चर में जो है डेप्थ ऑफ फील्ड कितनी अच्छी मिली, यानी कि जो डेप्थ ऑफ फील्ड मीन्स जो बैकग्राउंड है वो पूरा कम्प्लीटली ब्लर हो गया है और जो सब्जेक्ट है वही हमारा इन फोकस के अंदर आया है। तो यहाँ मैंने रखा है अपर्चर 1.4, और 1.4 मतलब मैंने अपने लेंस को पूरी तरह से ओपन कर रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एंटर करे और डेप्थ ऑफ फील्ड जो है पीछे का बैकग्राउंड अच्छे से ब्लर हो। तो अगर आपको बैकग्राउंड ब्लर करना है तो मान के चलिए F1.4 टू 2.8 तक आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छे से ब्लर हो सकता है, और अगर हम F4 F16 पर जाएंगे तो वहाँ डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत अलग तरीके से आपको दिखाई देती है, यानी कि अपर्चर बहुत अलग तरीके से रिएक्ट करता है। अब दूसरी पिक्चर लेता हूँ मैं F2.8 पे, और यहाँ मैंने चेंज कर लिया अपना अपर्चर। हाँ तो अब मैं ले रहा हूँ F2.8 पे, ये देखिए दूसरा पिक्चर रेडी। हाँ तो देखिए ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, अभी भी जो आप देख रहे हैं कि डेप्थ ऑफ फील्ड जो है वो बहुत ही काफ़ी ब्लर आई है, यानी कि डेप्थ ऑफ फील्ड यानी कि पीछे की जो फील्ड है वो कम्प्लीटली पूरा ब्लर में है और सब्जेक्ट स्टिल इन फोकस है। अब एक पिक्चर लेता हूँ F4 पे, मैं F4 पे कर लेता हूँ यहाँ पे,
तो अब आप देखिए जो पीछे का डेप्थ ऑफ फील्ड है, धीरे धीरे हमें पीछे का सीन दिखना शुरू हुआ है, यानी कि बहुत कम बट दिखना शुरू हुआ है। अब मैं लेता हूँ पिक्चर दोस्तों F8 पे। तो आप देख रहे हैं F8 पे जो है थोड़ा थोड़ा जो है डेप्थ ऑफ फील्ड, आप देखिए कैसे अपर्चर रिएक्ट कर रहा है, यानी कि आप जो पीछे का सीन है वो हमें धीरे धीरे दिखाई दे रहा है, यानी कि ब्लर जो है कम होता जा रहा है और डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा से ज़्यादा सीन जो है वो हमें पीछे का दिखाई दे रहा है, यानी कि अब छेद हमारा हो गया है इतना सा। अब एक पिक्चर में लेता हूँ F11 पे। तो देखिए अब जो पीछे का सीन है और भी, यानी कि डेप्थ ऑफ फील्ड है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कैप्चर हो रही है लेंस के थ्रू, यानी कि अब जो अपर्चर है वो पूरी डेप्थ ऑफ फील्ड यानी कि पूरे पीछे के पूरे सीन को शूट कर रहा है। और F11 पे आप देख पा रहे हो कि छेद और छोटा हो चुका है। अब मैं लेता हूँ एक F14 पे। और यहाँ पर आप देख रहे हो दोस्तों कि F14 में आप पीछे का काफ़ी सारा सीन हमें अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो इन सिंपल शब्दों के अंदर अगर हम समझें, यानी कि इन सिंपल वर्ड्स, तो डेप्थ ऑफ फील्ड जो है बेसिकली अपर्चर जो है इट कंट्रोल्स योर डेप्थ ऑफ फील्ड एंड इट ऑल्सो कंट्रोल योर अमाउंट ऑफ लाइट, यानी कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो होल में से पास होगी। छेद छोटा होगा तो अमाउंट ऑफ लाइट कम पास होगी, छेद बड़ा होगा तो अमाउंट ऑफ लाइट जो है ज़्यादा पास होगी। तो यहाँ पर अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अब आप जब भी कोई पिक्चर शूट करें तो वहाँ पर ध्यान रखें कि सीन कैसा है। सीन के हिसाब से पहले आपको अपना ISO जो है वो तय करना है, यानी कि अगर सीन बहुत ज़्यादा डार्क है तो थोड़ा सा ISO आप ऊपर लेके जाइए। और यहाँ पर अगर और भी डार्क है तो ऐसा नहीं कि आप 800 पे शूट कर रहे हैं ISO, तो वहाँ पर आप 200 या 300 रख सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि जो आपका लेंस है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा खोलिए, यानी कि 1.4 2.8 पे शूट करेंगे तो लो लाइट के अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एंटर होगी और लो लाइट के अंदर जो है आपका कैमरा बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि भाई ISO और अपर्चर जो है किस तरह से काम करता है फोटोग्राफी में। अब शटर स्पीड क्या होती है दोस्तों? शटर स्पीड बेसिकली आपके कैमरा में एक शटर होता है, यानी कि कर्टेंस जो कि खुलते और बंद होते हैं। अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो इसकी डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो शटर स्पीड इज़ बेसिकली द मेजरमेंट ऑफ द टाइम द शटर इज ओपन, यानी कि कितने टाइम के लिए जो है शटर, कितने सेकंड्स के लिए शटर ओपन होता है या क्लोज होता है। अब इसे हम जो है बेसिकली सेकंड्स के अंदर मेजर करते हैं। तो आपने देखा होगा जब शटर स्पीड लिखते हैं तो हम लिखते हैं भाई 1/2, 1/4, 1/25 या 1/250, 1/500 एक्सेट्रा, यानी कि शटर स्पीड को हम सेकंड्स में मेजर करते हैं। और आसान भाषा में समझें तो जितनी शटर स्पीड आपकी फास्ट होगी, यानी कि शटर जितनी तेज़ी से क्लोज होगा तेज़ी के साथ में, उतने ही जो है पिक्चर आपकी टेक्सचर पाएगी, डिटेल के साथ में आएगी। और जो मोशन है, अगर किसी कोई आप मान लीजिए मोशन वाली पिक्चर्स ले रहे हैं जहाँ पे एक्शन है, तो आप मोशन को भी जो है फ्रीज कर पाएंगे। और शटर स्पीड जितनी स्लो होगी उतने ही चांस होते हैं कि आपकी जो पिक्चर है वो थोड़ी सी उसमें ज़्यादा मोशन ब्लर नज़र आएगी, यानी कि पिक्चर थोड़ी सी हिली हुई या शेकी पिक्चर्स आपको दिखाई देंगी। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर अगर हम समझें तो भाई हायर शटर स्पीड यानी कि फास्ट शटर स्पीड मतलब मोर डिटेल, मोशन फ्रीज, एक्शन फ्रीज, क्लियर कट पिक्चर, शार्प पिक्चर्स। और लेस शटर स्पीड यानी कि स्लो शटर स्पीड मींस मोर मोशन ब्लर या फिर शेकी इमेजेस। तो अब मैं कुछ पिक्चर्स लूँगा इसको समझने के लिए, ताकि आप समझ जाएंगे कि भाई शटर स्पीड किस तरह से फोटोग्राफी के अंदर काम करता है। तो अब दोस्तों शटर स्पीड को समझने के साथ साथ जो हम पूरा एक्सपोजर ट्रायंगल भी समझ लेते हैं। इस वक्त हो गई काफ़ी अच्छी खासी शाम और आप देख रहे हैं कि अब लाइट काफ़ी डार्क हो गई है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था अगर ISO लाइट डार्क है तो हमको वहाँ पर ISO को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा ISO हम बढ़ाएंगे तो फेक लाइट होने का चांस होता है। तो इस वक्त शाम होने की वजह से मैंने अपनी लाइट थोड़ी सी बढ़ाई, यानी कि ISO को बढ़ा दिया है। और यहाँ जो ISO रखा है मैंने करीब 640, क्योंकि भाई साहब एक तो शाम हो गई, ऊपर से जो ऑटो वाले भाई साहब हैं ऑटो के अंदर बैठे हैं तो बिल्कुल डार्क सीन में है। दूसरी चीज़ मैंने अपना अपर्चर जो है ये दोस्तों मैंने खोल लिया है करीब 1.4, यानी कि पूरा अपर्चर ओपन कर लिया है। पूरा अपर्चर ओपन करने से मतलब है छेद अपर्चर बड़ा कर लिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट मेरे इसमें एंटर करे। और अब चूंकि मुझे पिक्चर जो है इनकी थोड़ी सी शार्प चाहिए तो मैंने अपनी शटर स्पीड है वो थोड़ी सी फास्ट कर दी, यानी कि 250 के ऊपर मैं शूट कर रहा हूँ। लेते हैं हेडशॉट और देखते हैं कि हमारा एक्सपोजर ट्रायंगल ठीक से काम कर रहा है या नहीं। तो आईज के ऊपर मैंने फोकस लॉक किया है, लेते हैं पिक्चर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि पिक्चर हमें काफ़ी अच्छा टेक्स्ट शार्प इमेज मिली है हमें फ़ोटो। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने एक्सपोजर ट्रायंगल को बहुत ही अच्छे से यूज़ किया, चाहे वो हमारी शटर स्पीड हो, चाहे हमारा ISO हो और चाहे हमारा अपर्चर हो। तो बस इस बात को आप समझ लीजिए कि आपका सीन कैसा है, कितना आपको वहाँ पर ISO यानी कि कितनी लाइट चाहिए, उस हिसाब से ISO को आप घटाइए बढ़ाइए। इस बात की ज़रूरत को समझिए कि ISO जितना आपका कम रहेगा उतना आपके लिए फ़ायदा है। और अगर लाइट और भी डार्क होती है तो फिर आपको यहाँ पर एक फ्लैश लाइट यूज़ करनी पड़ेगी।
अपर्चर जो है जैसा कि मैंने रखा है अभी 5.4 यानी कि पूरा छेद खोल लिया, तो आपको देखना है कि आपको सब्जेक्ट कितना दिखाना है या डेप्थ ऑफ फील्ड आपको ज़्यादा दिखानी है। अगर बैकग्राउंड ब्लर करना है तो आप 1.4 2.8 पे शूट कीजिए, लेकिन अगर आपको बैकग्राउंड भी सस्ता दिखाना है तो कोशिश करिए कि आप F4 F8 या F11 या उसके ऊपर जाएंगे तो आपको पूरी डेप्थ ऑफ फील्ड दिखाई देगी। तो यहाँ पर इस बात को समझने की ज़रूरत है। और अभी मैंने शटर स्पीड जैसे कहना था फास्टर शटर स्पीड रखी 250 और मुझे पिक्चर बिल्कुल 1.4 यानी कि अपर्चर पूरा खुला हुआ था तब भी मुझे इमेज बहुत ही शार्प मिली। अब दोस्तों मैं मोशन को फ्रीज़ करने की कोशिश करूँगा, उसके लिए मैं थोड़ी सी शटर स्पीड को और हाई करूँगा यानी कि फास्ट। तो इस वक्त मैं शूट कर रहा हूँ, करीब 640 मेरी शटर स्पीड है और मैं अपने असिस्टेंट को बोलूँगा थोड़ा सा हाथ हिलाने के लिए ताकि मैं कोशिश करूँ उसके हैंड्स को फ्रीज़ करने के लिए, देखते हैं पिक्चर कैसी आती है। और यहाँ पर आप समझ पाएंगे कि जो फास्टर शटर स्पीड है वो कैसे रिएक्ट करती है फोटोग्राफी के अंदर। तो अगर आपको मोशन को फ्रीज़ करना है तो जितनी शटर स्पीड आपकी हाई होगी उतनी अच्छे से आपका मोशन फ्रीज़ होगा। एक बार थोड़ा सा आप शेक हैंड करेंगे प्रीतम, हाँ थोड़ा सा जस्ट शेक योर हैंड प्रीतम। तो प्रीतम एक बार जो है थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर रहा है क्योंकि हमारे पास कोई तीसरा बंदा नहीं है तो हम दोनों ही मिलकर अभी शूट कर रहे हैं। हाँ थोड़ा सा हाथ को शेक हैंड शेक कीजिए, हाँ हाथ शेक कीजिए ऊपर नीचे, हाँ 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 थोड़ा तेज़ हाँ। तो देखा आपने दोस्तों की हाई शटर स्पीड यानी कि हायर शटर स्पीड पे जो है एक्शन कितना अच्छे से फ्रीज़ हुआ। तो अगर आपको मोशन को फ्रीज़ करना है तो जितना आपका शटर स्पीड हाई होगी मोशन उतना अच्छे से फ्रीज़ होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मोशन ब्लर कैसे होता है। अगर अपनी शटर स्पीड को बिल्कुल लो लेके जाएंगे और हैंड हेल्ड शूट कर रहे हैं तो और भी थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है क्योंकि हाथ तो वैसे भी हमारा शेक होता रहता है और शटर स्पीड अगर लो है तो मोशन ब्लर आता है। तो मैं एक पिक्चर आपको यहीं पर शूट करके दिखा देता हूँ तो आप देख पाएंगे किस तरह से जो है। अब मैं इस वक्त शूट कर रहा हूँ दोस्तों, मैंने अपनी शटर स्पीड जो है ये कर ली है करीब 1/10 पे मैं शूट कर रहा हूँ। मैं अपने असिस्टेंट को ही शूट करके दिखा रहा हूँ आपको, तो आप देख रहे हैं कि पिक्चर कितना ब्लर होके आई है यानी कि पूरा शेक हो गया अच्छा खासा। और यहाँ पर जो है पिक्चर की डिटेलिंग सारी चली गई है। तो अगर आपको लो लाइट में शूट करना है और आपको स्लो शटर स्पीड पे शूट करना है, इमेजेस आपको टैक शार्प चाहिए, तो ध्यान रखिए कि यहाँ पर आपको फिर ट्राईपॉड यूज़ करना पड़ेगा। तो आखिर में दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आपकी इमेजेस बहुत ही ज़्यादा डार्क आ रही है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ISO है वो आपको थोड़ा इंक्रीज करना है, साथ साथ जो आपका एपर्चर है वो एपर्चर भी आपका यानी कि छेद उसको थोड़ा बड़ा करना है। बड़ा करने से मतलब है आपको शूट करना है F1.4, 1.8, 2, 2.8 और 3.5 और 4 ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है वो एंटर करे। और जो आपकी शटर स्पीड है उसको भी आपको थोड़ा सा स्लो करना है क्योंकि जितना शटर स्लो बंद होगा उतनी ज़्यादा लाइट जो है एंटर करेगी और वहाँ पर जो है आपको एडवांटेज मिलेगा आपको परफेक्ट एक्सपोजर को आने का। और अगर आपकी इमेजेस जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट आ रही है तो यहाँ पर आपको ज़रूरत है ISO को थोड़ा सा लोअर करने की यानी कि नीचे करने की, और साथ साथ जो है आपका जो अपर्चर है उसे भी आप थोड़ा सा ऊपर यानी कि हायर नंबर यानी कि आप F8 पे शूट कीजिए या आप F11 पे या आप F16 के ऊपर। और साथ साथ बात करें अगर हम शटर स्पीड की तो यहाँ पर आपको जो शटर स्पीड है वो भी आपको थोड़ी सी फास्ट रखनी पड़ेगी यानी कि आप 125, 250, 200 के आसपास आप अपनी शटर स्पीड रख सकते हैं अगर आपकी इमेजेस बहुत ज़्यादा ब्राइट आ रही हैं। तो आपको ये तीनों चीज़ों का जो एक कॉम्बिनेशन आज जब मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बताया है तो आप इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका जो एक्सपोजर ट्रायंगल यानी कि आपकी फोटोग्राफी बेसिक्स हैं वो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाए और आप देखेंगे आपकी फोटोग्राफी बिल्कुल एक हफ्ते के अंदर बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे जाएगी दोस्तों। तो आज जो भी मैंने आपको बताने की कोशिश कीजिए की है तो आप कोशिश करिए कि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करें एज अ बिगनर और देखें कि आप क्या आपकी फोटोग्राफी में चेंज आ रहा है नहीं। अगर मैंने कुछ मिस किया हो या आपको कोई कन्फ्यूजन हो आपको कोई सवाल हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतने ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।